इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। दरअसल पीएम मोदी जिस कैजुअल अप्रोच की बात कर रहे हैं वो शहर शहर देखने को मिल रही है। मुंबई का हाल तो सबसे ज्यादा खराब है, यहाँ केसेस लगातार बढ़ रहे हैं लेकिन लोग सुधरने को राजी नहीं है। दादर के बाजार में लोगों की भीड़ है, कुछ ही लोग हैं जिनके चेहरे पर मास्क है, सोशल डिस्टेंसिंग जैसा कोई शब्द ही नहीं है। मानो आप देखिए कितनी भीड़ है। मुंबई में लगातार कोरोना केसेस बढ़ते जा रहे हैं। आज रात 8 बजे से जो वीकेंड लॉकडाउन की शुरुआत होने वाली है, लेकिन दादर सब्जी मंडी का हाल जो पिछले कई महीनों से है, कई वक्त से है, वो तस्वीर अभी भी आपको दिखाई देगी। दादर सब्जी मंडी की सुबह की ये तस्वीर है जहां पर लोगों का भीड़ जो है वो फिलहाल खत्म नहीं हुआ है। लोग यहाँ पर अब भी उसी तरह जो है खरीदारी करने। आपका मास्क क्यों नहीं चाहिए? रवैया भी अभी तक नहीं बदला है, कई लोगों के चेहरों के नीचे मास्क होता है। इस भीड़ भाड़ में अभी भी लोग पहुंच रहे हैं और लगातार कोरोना केसेस बढ़ते जा रहे हैं। लोगों की लापरवाही अब तक खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। आप मास्क बेच रहे हैं और आपने मास्क अरे मैं बोल क्यों नहीं पहन अरे इतना ही नीचे गया है लेकिन गलत है वो। हमें इतना ध्यान देते बैठूंगा तो मैं कैसे लगेगा। मुंबई के दादर स्टेशन की तस्वीर और ज्यादा डरावनी है। सरकार का आदेश है कि दफ्तरों में 50% क्षमता के साथ ही काम हो, बावजूद इसके ट्रेन में जबरदस्त भीड़ चल रही है। दादर स्टेशन पर आज हमारी संवाददाता नम्रता दुबे पहुंची तो यहां भी लोगों का हुजूम नजर आया। दादर स्टेशन की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, ये अभी की तस्वीर है जहां पर लोग ही लोग आपको नजर आएंगे। इन हजारों की भीड़ में कई ऐसे लोग भी जो बिना मास्क या मास्क नाक के नीचे होता है। दादर स्टेशन पर हमेशा ही भीड़ रहता है। मुख्यमंत्री ने दफ्तरों को 50% स्टाफ के साथ चालू रखने की शुरू रखने की बात की गई, लेकिन उसके बाद भी लोगों की भीड़ जो है वो कम नहीं हो रही है। इस भीड़ में कई ऐसे लोग जिनको कोरोना के सिम्टम्स होंगे, कोरोना संक्रमित भी हो सकते हैं। ऐसे में अगर इस भीड़ में कोरोना फैलता है तो उसे कैसे रोका जाए, ये एक बड़ा सवाल उठता है। आज से मुंबई में, महाराष्ट्र में पूरे वीकेंड लॉकडाउन की शुरुआत है। शुक्रवार शाम 8 बजे से सोमवार सुबह 7 बजे तक सब कुछ बंद रहेगा। मुंबई की तरह दिल्ली में भी हालात बहुत तेजी से बिगड़ रहे हैं और इसका अंदाजा आप ऐसे लगा सकते हैं कि अलग अलग शमशान घाट को अपनी तैयारी पूरी रखने के लिए निर्देश दे दिए गए हैं। राजधानी दिल्ली में भी कोरोना का विस्फोट हो चुका है। हर दिन 5000 से अधिक लोग कोरोना पॉजिटिव हो रहे हैं और मरने वालों की तादाद भी लगातार बढ़ रही है। पिछले कुछ दिनों से ये देखने को मिला है कि 15, 17, 20, 21 लोगों की मौत हो रही है। अभी तक राजधानी दिल्ली में 11000 से अधिक लोगों की मौत कोरोना की वजह से हुई है। मैं इस वक्त पंजाबी बाग शमशान भूमि में हूँ और ये एक तरह से पश्चिमी दिल्ली, दक्षिणी दिल्ली का एक बड़ा शमशान भूमि है और कोरोना के प्रोटोकॉल से जो अंतिम संस्कार किया जाता है उसकी व्यवस्था यहाँ पे है। लकड़ी के प्लेटफॉर्म भी हैं और 2 CNG के प्लेटफॉर्म भी हैं। हालांकि अभी हर दिन 5 से 6 डेड बॉडी आती है ऐसी जिसको कोविड प्रोटोकॉल के हिसाब से अंतिम संस्कार किया जाता है, लेकिन यहाँ पे 42 से अधिक प्लेटफॉर्म है और वो पूरी तरह से तैयारी की गई है कि किसी भी स्थिति में अगर ज्यादा डेड बॉडीज आती है तो उसका अंतिम संस्कार किया जाए। दिल्ली में जितने भी हॉस्पिटल हैं उनको शमशान भूमि के साथ अटैच किया गया है। सुबह ही इनको ये जानकारी मिल जाती है कि आज कितनी डेड बॉडीज आनी है और उस हिसाब से लकड़ियों का इंतजाम किया जाता है और साथ में CNG के प्लेटफॉर्म जो है उसको भी खाली करा के रखा जाता है। नमस्ते, मैं हूँ मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।